अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नसरीन जायका किचन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से बनाएं बाहर की तरह क्रिस्पी डोसे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले उनका बैटर तैयार करना होगा, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 4 कप उड़द दाल ले ली है, जिसे कि मैंने भिगो दिया है। वो कटोरी का साइज लगभग इतना बड़ा होगा, जो कि मैंने 4 कप लिया था उड़द दाल। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, 4 कप मैंने यहाँ पर 7 से 8 कप चावल ले लिए हैं यहाँ पर मैंने, और उसे पानी में भिगो दिया है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा ले लिया है, जिसे कि मैंने भिगो कर रख दिया है। इन सब चीज़ों को आपको लगभग 1 रात भिगो कर रखना होगा, और उसके बाद आप इन सब चीज़ों को पीस लीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमें इन सबको पीस लेना है, तो मैंने यहाँ पर चावलों को पीस लिया है। देख सकते हैं आप किस तरह से मैंने इसे पीसा है। इसे आपको बहुत ही बारीक पीसना होगा, अगर ये मोटा मोटा रहेगा तो हमारे डोसे अच्छे नहीं बनेंगे। और ये मैंने उड़द दाल को भी पीस लिया है और पोहे को भी इसी तरह से पीस लिया है। अभी हमें इन सबको मिक्स करना होगा। अब जैसे आप इन 3 चीज़ों को मिला लेंगे तो आपका बैटर कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको इसे रात भर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी किस तरह से बनाए आलू मसाला डोसे की फिलिंग। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 से 7 आलू ले लिया है, जिसे कि मैंने बॉईल कर लिया है। बॉइलिंग के टाइम पर मैंने उन आलू में नमक और हल्दी ऐड किया था, और फिर बॉईल करने के बाद उसे मैश कर लिया है। और उसकी फिलिंग बनाने के लिए हमें इन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, ज़ीरा और लाल मिर्ची। और यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चियों को कट कर लिया है, कोथमीर है, प्याज को भी मैंने कट कर लिया है, और कड़ी पत्ता है, जो कि हमें तड़के के लिए लगेगा। तो फ्रेंड्स, फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हमारे पतीली में 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लें, और फिर उसमें हमें जीरा ऐड करना है। अब हम उसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। अभी हमें उसमें प्याज ऐड करना है। अभी आपको प्याज लाल हुए तक उसे भून लेना है। अभी आप जैसे देख सकते हैं हमारी प्याज लाल हो गई है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि है 1 बड़े चम्मच। हमें इसके अंदर ऐड करना होगा कटी हुई हरी मिर्ची। अभी हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमें डालना है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। फिर मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड पोटैटोस। अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसे आपको 10 मिनट तक के लिए थोड़ा पका लेना है, और फिर आपको इसके ऊपर कोथमीर डाल देनी है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे 10 मिनट तक थोड़ा पका लिया है। अभी मैं इसके ऊपर कोथमीर डालूंगी। अब हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब हम देखेंगे किस तरह से मसाले डोसे को तैयार करें। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पैन के ऊपर ऑयल लगा दिया है। अब मैं इस पर बैटर ऐड करूंगी, और उसे हमें अच्छी तरह से फैलाना होगा पैन के ऊपर। अभी हमें इसके ऊपर ऑयल डालना है, और थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे पकाना है। जैसे ये पक जाएगा ना, तो इसके साइड अपने आप निकलने लगेंगे, तो वो इंडिकेशन होता है कि हमारा मसाला डोसा तैयार हो रहा है। अभी हम इसके ऊपर फिलिंग डालेंगे अपना, जो कि हमने बना लिया था पोटैटो फिलिंग। उसे अच्छे से स्प्रेड करना है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा मसाला डोसा लाल हो रहा है,
और ये साइड से निकलने लगा है, तो ये इंडिकेट करता है कि वो अभी पक चुका है। अभी हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अभी हमने इसे फोल्ड कर लिया है, ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा मसाला डोसा तैयार हो गया है। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी बना है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें लिख के बताएं कि आपको कैसा लगा। और हमारी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करने पर घंटी को भी जरूर दबाएं ताकि हमें आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें।